ओम शांति। आज का मेडिटेशन है अमृत वेले अशरीरीपन का अभ्यास, जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अमृत वेले विशेष अशरीरी भाव का वरदान लेना चाहिए। आज का स्वमान है मैं परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव की संतान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। अभ्यास करेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा आँख खुलते ही स्वयं को अपने अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव के सम्मुख पाती हूँ। निराकारी बिंदु शिव पिता को निहारते मैं सर्वप्रथम सत्य बाप सत्य टीचर व सतगुरु सदा शिव को नमन गुड मॉर्निंग अथवा सुप्रभात करती हूँ। मीठी मुस्कान देते शिव पिता मेरी गुड मॉर्निंग स्वीकार कर मुझे पावन दृष्टि दे रहे हैं। शिव पिता की पावरफुल पावन दृष्टि पढ़ने से मेरी सर्व कर्म इंद्रिया जागृत होकर योग मुद्रा में स्थित हो रही है। जैसे कि स्थूल देह ने निंद्रा की अवस्था को पूर्णतया त्याग दिया हो, नजर से निहाल होकर इस नश्वर देह को त्याग मैं आत्मा उड़ चलती हूँ। अपने पिता परमात्मा शिव की ओर अगले ही पल में मैं अशरीरी आत्मा परम धाम निवासी बनकर पिता शिव के पास जाकर बैठ जाती हूँ। आनंद लेंगे कुछ देर इसी अशरीरी अवस्था का। पिता शिव से पवित्रता प्रेम वात्सल्य से परिपूर्ण व सर्व शक्तियों से संपन्न सतरंगी किरणें निकलकर मुझ पर बरस रही है। किरणों से बरसता
सौहार्द्र मुझे आहदित कर रहा है। मुझ में अनंत शक्तियां भर रहा है। मुझ आत्मा की चमक करोड़ों गुना बढ़ती जा रही है। मुझ में सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का समावेश हो रहा है। मेरी दिव्यता बढ़ती जा रही है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप का स्पष्ट अनुभव कर पा रही हूँ। बैठ जाए अनुभूतियों के सागर तले और सहज ले ये अविस्मरणीय पल। कुछ देर इसे बेजरूप अवस्था का अनुभव करने के बाद मैं आत्मा अवतरित होती हूँ सूक्ष्म वतन में। अपने प्रकाश की काया में जहाँ मेरा प्रकाश का शरीर अपनी संपूर्णता को धारण कर बैठ जाता है। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप के सम्मुख क्षणिक विलंब किए बिना शिव पिता ब्रह्मा तन में प्रवेश कर मुझे दिव्य अलौकिक रूहानी दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा से निकलती ये दिव्य किरणें मुझे सराबोर कर रही है। मैं फरिश्ता बाप दादा की ममता मई गोद में समाते जा रहा हूं। ओम शांति।